दोस्तों मेरे पास है यामाहा FZS वर्जन 2 एंड मैं चेंज करने वाला हूँ स्विंग आर्म पुश एंड स्विंग आर्म रॉड। आप अगर वीडियो को एंड तक देखते हो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप एक्सपर्ट हो जाओगे एंड बजट फ्रेंडली तरीके से अपने घर पे ही सस्पेंशन बुश एंड रॉड को रिप्लेस करने के साथ साथ कुछ मनी सेव करके अपने बिलावेड दोस्तों के ऊपर उसे स्पेंड कर पाओगे। टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें टूल्स चाहिए, 17 नंबर का स्पैनर या हेक सॉकेट, 10-12 8 नंबर का स्पैनर या रेंच, एक स्मॉल साइज का हैमर और एक स्क्रू ड्राइवर। आप तो जानते ही हो मोटरसाइकिल को एक प्लेन सरफेस में स्टैंड करना है एंड सबसे पहले सीट्स को खोल लेना है ताकि दोनों साइड पैनल का एक्सेस हमें मिल जाए। साइड्स पैनल को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेने के बाद पीछे की व्हील को करना है डिसमेंटल एंड इसके लिए एक साइड में 22 नंबर का स्पैनर एंड दूसरे साइड में 17 नंबर का रेंच मैं यूज करने वाला हूँ। एंड जैसा कि आप जानते ही हो लूज करने के बाद एक्सेल बोल्ट को निकाल लेना है। अब चेन को पीछे की व्हील से सेपरेट करने के बाद हमें पीछे की व्हील को कर लेना है अलग। पीछे अगर डिस्क ब्रेक है तो कैलिपर को स्लाइड करके खोल लेना है। कैलिपर सेट को कैसे खोलना है इसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। अभी स्विंग आर्म की एक्सेस के लिए मड गट को खोल लेना है एंड इसके लिए साइड में आपको मड गट से जुड़ा हुआ दो बोल्ट मिल जाएगा एंड उसे खोलते ही मड गट हो जाता है डिसमेंटल। एंड मड गट खोलते ही स्विंग आर्म खोलना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा। 18 नंबर का स्पैनर के साथ खोलना है सॉकर बोल्ट को। सॉकर बोल्ट को निकालने के बाद स्विंग आर्म बोल्ट को लूज करने के लिए एक साइड में हेक्स सॉकेट का 17 नंबर एंड दूसरे साइड में 17 नंबर का स्पैनर या फिर बोथ साइड आप स्पैनर यूज कर सकते हो एंड स्विंग आर्म की इस बोल्ट को करना है लूज। नट को खोलते ही स्विंग आर्म मोटरसाइकिल से अलग हो जाएगा, आप देख सकते हो स्विंग आर्म को। एंड कैप्स को खोलते ही स्विंग आर्म रॉड निकल जाता है। अभी सस्पेंशन बूश को स्विंग आर्म से निकालने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा एक हैमर का एंड एक रॉड के साथ हैमर को थोड़ा सा प्रेस करते ही बूश आराम से निकल जाता है। FZS वर्जन 2 की केस में मैक्सिमम एक साइड का बूश खराब होता है, तो निकालने के टाइम अगर बूश टूट भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आर्म से निकालना होता है बहुत ज़रूरी। जैसे कि आप देख सकते हो निकालने के बाद यामाहा जेन्युइन स्विंग आर्म बूश जिसका आज के डेट में प्राइस है 506 रुपया एंड कॉलर यानी कि स्विंग आर्म रॉड एंड इसका प्राइस है 190 रुपीस। लेकिन इस प्रोसेस में हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है स्विंग आर्म बूश को। इंस्टॉलेशन से पहले अच्छे से ग्रीस अप्लाई कर लेना है ताकि मोटरसाइकिल के अंदर अगर पानी या फिर मॉइस्चर चला जाए तो रस्टिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्रीस अप्लाई करने के बाद हैमर की हेल्प से धीरे धीरे प्रेस करके करना है इंस्टॉल। आप चाहो तो पुराना जो बूश है उसका भी हेल्प लेके इसे अंदर प्रेस कर सकते हो। दोनों साइड के बूश को इंस्टॉल करने के बाद रॉड में अच्छे से ग्रीस अप्लाई करने के बाद इसे डाल देना है अंदर एंड कैप्स को लगा लेना है। अभी फिर से असेंबल करना है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि चेन को पहले इंस्टॉल कर लेना है। देन स्विंग आर्म को इंस्टॉल करने के लिए 17 नंबर का स्पैनर या फिर हेक्स सॉकेट के मदद से हम इसे पहले कर देंगे टाइट। बाकी का प्रोसेस आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हमें सॉकर को अटैच करना है स्विंग आर्म के साथ, तो इस नट एंड बोल्ट को कर देते हैं टाइट एंड अभी मड गट को कर लेते हैं इंस्टॉल।
अभी पीछे की व्हील को करना है इंस्टॉल एंड अगर मोटरसाइकिल के पीछे डिस्क कैलिपर है तो स्लाइड करके पहले डिस्क कैलिपर को इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद व्हील को अटैच करना है। और क्योंकि चेन एडजस्टर के साथ हम लोगों ने कोई छेड़खानी नहीं किया है तो एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस प्रोसेस में आप जितने भी सारे पार्ट्स को डिसमेंटल कर रहे हो, सारे पार्ट्स को एक जगह पर रखने से इंस्टॉलेशन का काम होता है बहुत ही आसान एंड आप अच्छे से देख भी सकते हो कि कोई पार्ट्स मिस तो नहीं हो गया। वैसे ये प्रोसेस तो है बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑलमोस्ट एक घंटे के आसपास मुझे टाइम लग गया। अगर आप इसे कम टाइम में इसे कंप्लीट कर पाते हो तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं ताकि दूसरों के लिए ये इंस्पायरिंग हो। अगर आप ये घर पे ही कर रहे हो तो मनी सेव करने के साथ साथ आपको मिलता है एक सेटिस्फेक्शन और टूल्स भी होना चाहिए ज़रूरी। तो मैं जितना भी सारा टूल्स यूज़ कर रहा हूँ ये सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए इसे खरीदना एंड आप फिर से कुछ मनी सेव करके मदर नेचर को कर पाओ एक्सप्लोर। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डेज।